स्टूडेंट्स, आई एम टीचिंग यू योर चैप्टर नंबर 20 फ्रॉम योर जीके बुक, दैट इज़ रियल हीरोज़। कुछ एक रियल हीरोज़ के बारे में आपका ये चैप्टर है जो इंडिया से बिलोंग करते हैं। आइए वन बाय वन उनके बारे में पढ़ते हैं। ये पहली जो फिगर आप देख रहे हैं ये है राजेंद्र सिंह की। ओके, ये फिगर है राजेंद्र सिंह की। और क्या है ये? वाटर कंजर्वेशनिस्ट है, यानी ये जल संरक्षण करने में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। तरह तरह के ये एक्टिविस्ट जो है कहलाएंगे, और तरह तरह की एक्टिविटीज़ ये चलाते हैं। और कहाँ से हैं? ये हैं अलवर डिस्ट्रिक्ट से, राजस्थान में, जो कि सिचुएटेड है। और ये इनको एक और नाम दिया गया है, वाटर मैन ऑफ इंडिया। इनको वाटर मैन ऑफ इंडिया का भी नाम दिया गया है। इन्होंने स्टॉकहोम वाटर प्राइज़ जीता है तमाम तरह की एक्टिविटी करके इस फील्ड में। और उसके बाद इन्हें नोबल प्राइज़ भी मिला है वाटर के कंजर्वेशन के लिए, तो एन अवार्ड नोन एज द नोबल प्राइज़ फॉर वाटर। ही रन्स एन NGO, एक NGO भी चलाते हैं जिसका नाम है तरुण भारत संघ। ओके, जो कि कब सिचुएट किया गया, ये इसकी जो नींव पड़ी है वो 1975 में पड़ी है। द NGO वर्क्स टुवर्ड हेल्पिंग विलेजर्स टेक चार्ज ऑफ वाटर मैनेजमेंट, यानी वाटर मैनेजमेंट कैसे करें इसके बारे में विलेज एरिया में रहने वाले लोगों को हेल्प किया गया है इसके थ्रू। और क्या किया गया है, ये जो है जोहैट्स रेन वाटर स्टोरेज टैंक्स एंड अदर लोकल वाटर हार्वेस्टिंग एंड कंजर्वेशन जो टेक्निक्स हैं, वाटर हार्वेस्टिंग के जो डिफरेंट टेक्निक्स हैं उनके बारे में भी इन्होंने विलेज टू विलेज जाके तमाम तरह के प्रचार और प्रसार किए हैं। दीज वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स हैव ब्रॉट वाटर बैक टू ओवर 1000 विलेजेस। और तमाम तरह की जो टेक्निक्स इन्होंने लगाई हैं वाटर को कंजर्व करने के लिए, इससे राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट के 1000 से ज़्यादा विलेज में वापस, जहाँ पर पानी बिल्कुल सूख चुका था वहाँ पर फिर से एक बार वाटर लेवल इंक्रीज हुआ है। ओके, एंड हैव रिवाइव्ड मैनी रिवर्स इन राजस्थान, अरवरी, रूपरेल, सरसा, भगनी एंड जहावली। ये तमाम एक रिवर्स हैं जो इनके मूवमेंट के बाद से इन सारे रिवर्स में एक बार फिर से वो रिवर्स जिंदा हो गई, उनमें फिर से पानी आ गया। ऐसे एक ये वाटर कंजर्वेशनिस्ट हैं ये। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट मानसी प्रधान। क्या है, आइए इनके बारे में जानते हैं। मानसी प्रधान जो है बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करती हैं। कहाँ से? आयतपुर खोरधा डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा से। इनके जो पिता थे वो एक फार्मर थे, और मिडिल स्कूल कंप्लीट करने के बाद ये 15 किलोमीटर की जो यात्रा है पैदल करके बहुत ही स्टीप हिली एरियाज से होते हुए स्कूल जाया करती थी। और इन्होंने किसी तरह से बहुत परेशानियां झेलने के बाद हाई स्कूल अपना किया, और उसके बाद हाई स्कूल एग्जामिनेशन अपने गांव में पास करने वाली ये पहली वुमेन बनी। ओके, इन्होंने डिफरेंट प्लेसेस पर पैसे अर्न करने के लिए काम किए, हायर एजुकेशन पाने के लिए काम किया, और अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा वर्कआउट किया। बाद में ये बनी फाउंडर ऑनर फॉर वुमेन नेशनल कैंपेन की, और इन्होंने वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के लिए एक मूवमेंट चलाया और बहुत सारा स्ट्रगल किया। स्टेट गवर्नमेंट से लिक्वर शॉप जो है, जो शराब की दुकानें हैं, उनको क्लोज करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल इन्होंने डिफरेंट एरियाज़ में किया। और इन्होंने ऑर्गेनाइज़ की लीडरशिप वर्कशॉप, एजुकेशनल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग कैंप्स, लीगल अवेयरनेस कैंप्स, किसके लिए? वुमेन के लिए, सेल्फ डिफेंस सिखाने के लिए ट्रेनिंग दी इन्होंने वुमेंस को। ऐसे स्कूल स्थापित करवाने में बहुत ज़्यादा जो है आगे बढ़ चढ़ कर ये आई, ताकि वुमेंस में अवेयरनेस जग सके। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टिफनी ब्रार। क्या है ये? टिफनी ब्रार जो है ये ब्लाइंड थी, बहुत ही बर्थ के कम समय के बाद ये ब्लाइंड हो गई, क्योंकि इन्हें एक डिजीज़ हो गई जिसको बोलते हैं रेटिनल डिजीज़। 12 ईयर्स ओल्ड थी जब इन्होंने अपनी माँ को खो दिया,
और इनके जो फादर थे वो दिल्ली में पोस्टेड थे, दिल्ली में पोस्टेड थे, और वो दिल्ली में एडजस्ट ये नहीं कर सक रही थी विदाउट एनी केयर सपोर्ट एंड हेल्प। वहाँ पर इनके फादर ड्यूटी चले जाते थे, ये अकेली घर में बसती थी, इसलिए किसी भी तरह से ये सब जो है सफ़र कर रही थी बहुत ज़्यादा और एडजस्ट नहीं कर पा रही थी। इसलिए ये तिरुवनंतपुरम चली गई टू कंटिन्यू हर स्कूलिंग, अपना स्कूल कंटिन्यू करने के लिए ये चली गई तिरुवनंतपुरम केरला में। हर हॉस्टल्स डोमेस्टिक हेल्प टुक केयर ऑफ हर, उनकी जो हॉस्टल की डोमेस्टिक हेल्प थी वो उनकी केयर करती थी, और हाउ टू ड्रेस अप, फोल्ड क्लोथ्स, मेक हर बेड एंड अदर डेली लाइफ स्किल्स, उनको सारी चीज़ें उन्होंने वहाँ पर सिखाई। शी इज़ द फाउंडर ऑफ ज्योतिर्गमय फाउंडेशन, और बड़ी होकर के ये बनी ज्योतिर्गमय फाउंडेशन की फाउंडर। इट इज़ अ मोबाइल ब्लाइंड स्कूल दैट इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया दैट इफ़ ब्लाइंड पीपल कैन नॉट गो टू स्कूल, लेट द स्कूल गो टू द ब्लाइंड। यानी इन्होंने एक ऐसे चलने फिरने वाले स्कूल की, ब्लाइंड स्कूल की स्थापना की, एक आइडिया इन्होंने रखा और उसको जनरेट भी किया कि अगर ब्लाइंड लोग स्कूल चलकर नहीं जा सकते तो एटलीस्ट स्कूल उनके पास तक चल के आएगा। इन्होंने इस फील्ड में काम किया और इनका नेम है, वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, दैट टिफनी ब्राश। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सिंधु ताई सपकल। क्या थी ये, आइए इनके बारे में जानते हैं। शी इज़ नोन एज द मदर ऑफ ऑर्फन्स, इनको मदर ऑफ ऑर्फन्स के नाम से जाना जाता है। ऑर्फन मीन्स होता है अनाथ, इनको अनाथों की माँ के नाम से भी जाना जाता है। इनके जो पिता थे वो एक काव हर्ड थे, यानी चरवाह थे, और इनको पढ़ने की बहुत इच्छा होती थी, जबकि इनकी माँ बिल्कुल नहीं चाहती थी कि ये पढ़ाई करे, और ये खुद को स्कूल में देखना चाहती थी, स्कूल जाना चाहती थी। अपनी जो इनकी कैटल ग्रेजिंग का काम था, इन लोगों का पशुओं को चराने का काम था, उसके बावजूद ये साथ में जब जाती थी अपने पिता के, तो जो भराड़ी ट्री की लीव्स होती हैं उसको स्लेट बनाती थी और उसी पर पढ़ने लिखने की कोशिश करती थी। इनकी शादी बहुत ही अर्ली एज में, यानी 10 ईयर्स की एज में हो गई, और इन्होंने एक सक्सेसफुल एजुटेशन रखा अगेंस्ट लोकल स्ट्रॉन्गमैन। वहाँ इनके गांव में जो लोकल बहुत ही स्ट्रॉन्ग लोग थे, शक्तिशाली लोग थे, उनके अगेंस्ट इन्होंने एक सफल आंदोलन चलाया, और इतना एलिगेशंस जो है लगाया, हर एलिगेशंस ब्रॉट द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर टू द विलेज, और उस मूवमेंट को इस तरह से उठाया, इस तरह से चार्जेस लगाए कि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे उनको इनके गांव तक आना पड़ा। ही पास ऑर्डर दैट द स्ट्रॉन्ग मैन डिड नॉट लाइक, उन्होंने एक ऐसा ऑर्डर पास करवाया जिसको स्ट्रॉन्ग मैन जो वहाँ के थे, शक्तिशाली लोग थे, वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। जो स्ट्रॉन्ग मैन थे उन्होंने इसके हस्बैंड को फोर्स किया, इनके हस्बैंड को फोर्स किया कि वो इनको छोड़ दें, जबकि उस वक्त ये जो सिंधु ताई थी ये प्रेग्नेंट थी। शी गेव बर्थ टू अ बेबी गर्ल इन अ काउ शेड, इन्होंने काउ शेड में, यानी जहाँ गायें रहती हैं वहाँ पर इन्होंने एक बेबी को जन्म दिया। ओके, एंड शी गेव बर्थ टू अ बेबी गर्ल इन अ काउ शेड आउटसाइड हर हाउस दैट नाइट, उस रात को जब सबने निकाल दिया इनको घर से बाहर, तो वही अब मैंने आपको बताया कि काउ शेड के बाहर इन्होंने एक बेबी को जन्म दिया, और इनकी जो माँ थी उन्होंने भी इसको अपने घर में रखने से मना कर दिया। उसके बाद ये बेगिंग करने लगी, यानी रेलवे प्लेटफॉर्म्स पे फूड के लिए ये भीख मांगने लगी ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस पीरियड के दौरान उन्होंने जो स्ट्रीट चिल्ड्रन थे, जो ऑर्फन्स थे, यानी जो अनाथ थे, उनकी स्थितियाँ इन्होंने देखी, उनकी कितनी पुअर कंडीशन है, और सोचने लगी कि मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ कि इन्हें एक बेटर और डिसेंट लाइफ मिल सके। और इतना ही नहीं, अपने इस मूवमेंट को इन्होंने आगे बढ़ाया और केयर की 1000 से भी ज़्यादा चिल्ड्रेंस की, ठीक है, एंड सम ऑफ दीज ऑर्फन्स हैव ग्रोन अप, और जो जितने भी अनाथ बच्चे थे 1000 से ज़्यादा, उसमें से कुछ एक डॉक्टर बने और कुछ एक लॉयर्स की पोस्ट भी उन्होंने पाई। तो ये हम बात कर रहे थे सिंधु ताई सपकल के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई एम टीचिंग यू योर चैप्टर नंबर 21 दैट इज़ रियल टीचर्स, यानी कुछ एक मूवीज़ टीचर्स पे बेस्ड बनी है, उनके बारे में इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। ये पहली मूवी आप सबने देखी होगी, ब्लैक इसका नाम था। इसमें एक पैशनेट टीचर थे जो कि एक ब्लाइंड लड़की को
पढ़ाते थे और उसको उन्होंने लाइफ को जीने का सलीका सिखाया कि किस तरह से नॉर्मल वे में भी एक जो ब्लाइंड पर्सन है वो अपनी ज़िंदगी जी सकता है। ओके, फिर ये पिक्चर आप देख रहे हैं, चक दे इंडिया मूवी की ये पिक्चर है, सीन है। और इसमें क्या होता है, एक हॉकी कोच होता है जो कि एक ऐसे इंडियन वुमेन हॉकी टीम को ट्रेन करता है जिसका पास्ट बहुत ही डार्क था, यानी जो पीछे का प्रदर्शन था वो बहुत ही ख़राब था। और ये उस टीम को अच्छी तरह से एजुकेट करना चाहते थे, ये जो कोच की भूमिका शाहरुख खान ने इस मूवी में निभाई थी, ताकि वो जो वुमेंस हॉकी टीम है वो अपने कंट्री के प्राइड को, अपने कंट्री के गुमान को सेव कर सके। और इस मूवी का नाम था चक दे इंडिया। ओके स्टूडेंट्स, और ये एक बहुचर्चित मूवी थी तारे ज़मीन पर। अ कंपैशनेट आर्ट टीचर बिल्ड्स अ यूनिक बॉन्ड विथ अ डिसलेक्सिक चाइल्ड, एक बच्चा होता है जिसको डिसलेक्सिक नाम की बीमारी रहती है। और ये आमिर खान इस भूमिका में होते हैं, जो बहुत ही अपने काम के प्रति बहुत ही जुझारू एक टीचर होते हैं, जो कि अपने और इस बच्चे के बीच में एक बहुत ही यूनिक बॉन्ड बनाने में सक्सेसफुल होते हैं और उसकी प्रॉब्लम्स जो चल रही थी उसको समझ पाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ दिस मूवी इज़ इकबाल। इसमें एक डीप बॉय रहता है जो कि इंडियन क्रिकेट टीम बनाना चाहता है। अ डीप बॉय मेक्स इट टू द इंडियन क्रिकेट टीम विद द हेल्प ऑफ हिज कोच, अपने कोच की मदद से इंडियन क्रिकेट टीम ये बच्चा जो है वो बनाना चाहता है।